ने तो हमारे आइसक्रीम का पानी बना दिया। रिलैक्स बॉस, इस गर्मी में दिमाग को और गर्म करना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। के लिए चॉकलेट और मेरे फेवरेट डॉगी मोबी के लिए ये लो तुम्हारा फेवरेट, एक स्कूप वनीला, एक स्कूप स्ट्रॉबेरी, एक स्कूप कोकोनट और एक ब्लू बेरी और राजू बाबा के लिए चॉकलेट मोबी, अगले साल हम आइसक्रीम जरूर लाएंगे। क्या हुआ? तो ये सब राजू ने किया?
तुम्हारा बर्थडे है ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? स्पेशल आइसक्रीम मिल ही गई। खुश मोबी। आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने सिर्फ अपना स्टोर ही नहीं, आसपास के बाकी स्टोर्स में भी पता लगवाया ये पुर्जा किसी के पास नहीं है। विराट कभी नहीं खेलेगा। ऑफिसर, विराट कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या, कहाँ गया विराट? विराट नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे प्लेयर्स को भी पता नहीं। विराट इज मिसिंग सर। विराट इज मिसिंग? विराट इज मिसिंग? हाँ राजू, अभी अभी खबर मिली है। मैच के बाद विराट ग्राउंड से निकलकर पवेलियन में गया। अंकल, मैं भी ढूंढता हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चलो मूवी। राजू हमारा पीछा कर रहा है।
और ये पिंजरा। माइटी राजू, तुमने कमाल कर दिया। और वो क्रिकेट शॉट्स कहाँ से सीखे? मैं भी तुम्हारे कुछ शॉट्स अपने खेल में इस्तेमाल करूँगा। सकते हम एक काम कर सकते हैं, अगली बार हम स्कूल पिकनिक जंगल के पास वाले गार्डन में रख सकते हैं, ताकि तुम लोग इस प्यारे से बेबी मंकी से वापस मिल सको। पार्टी हो रही है। अयो, आज का न्यूज पेपर में क्या छपा है, जरा पढ़ के देखता हूँ। अयो, ये राजू और उसका दोस्त हमेशा इतना शोर मचाता है। इतने शोर में मैं पेपर भी नहीं पढ़ सकता। हाँ,
थोड़ी मजेदार बातें हो जाए। मतलब डरावनी स्टोरीज। क्यों चाली, कहानी शुरू होने से पहले ही डर गए? अब मैं किसी से नहीं डरता, चलो शुरू करो। एक अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। हो क्या था? पता नहीं, पर बहुत डरावनी आवाज थी। आवाज तो मूर्ति अंकल के घर से आई। तुम दोनों तो हमेशा डरते रहते हो। कहीं मूर्ति अंकल कोई मुसीबत में तो नहीं? हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। इतनी रात में? दरवाजा तो खुला ही है। मूर्ति अंकल। मूर्ति अंकल कोई जवाब ही नहीं दे रहे। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। ये भी क्या हवा के कारण हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है आवाज वहाँ से आ रही है। मूर्ति अंकल आप? तुम सब मुझे गानों से बहुत परेशान करते है ना, इसीलिए मैं तुम सब को डराने का प्लान बनाया। एवलॉन फनी है? अच्छा मजाक था मूर्ति अंकल। राजू चार्ली कहाँ है तुम? राजू चार्ली शायद घर के अंदर गए होंगे। रुको तुम, मैं तुम्हें बताता। रुको तुम, मैं बोला रुको तुम। चिकी स्टेटस क्या है? दोनों के स्कोर्स लगभग सेम हैं। हाँ, पर तुम्हारे शॉट्स को सिस्टम ने कम पॉइंट्स दिए हैं, जबकि उसका शॉट सीधा बुलजाए पर लगा है। तुम ही ने पॉइंट सिस्टम बनाया है राजू, जो भी पहले 15 पॉइंट करेगा वो विनर। नॉट फेयर, तुम झुक गए। भीगी बिल्ली मत बनो, कम ऑन मोबी। लास्ट शॉट बाकी, फाइनल पेंट बॉल। चिकी स्कोर टाई है राजू, दोनों के 14 पॉइंट्स। एक शॉट बाकी, मोबी हेड टू हेड, चलो। 1, ये राजू का आवाज। 2, 3, आयो। ओके राजू, शाम को पार्क में मिलेंगे। आउच। माइटी राजू। यस बोलिए कमिश्नर सर। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, मगर हमें लूज रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि उसे आर्य नगर के काफी करीब देखा गया। कराटी। यस कराटी, इट्स अनबिलीवेबल। हर बार किसी न किसी तरह वो कानून से बचकर भाग जाता है। पर हर बार की तरह मैं उसके शैतानी इरादों को तोड़कर उसे कानून के हवाले कर दूंगा। यू डोंट वरी कमिश्नर सर। दैट्स माय बॉय। मैं फौरन ही उसे ट्रैक करता हूँ, कुछ पता चले तो आपको खबर कर दूंगा। वंडरफुल। इस बार कराटी कितनी भी कोशिश कर लो, पर माइटी राजू के रहते आफत आर्य नगर पर नहीं तुम पर गिरने वाली है, वो भी धमाके के साथ। Thank you.
हमला, आर्यनगर पर फिर से अटैक, अपने वैशी शैतानी इरादों के साथ फिर लौट आया है डेंजरस महाविलन। मेरा मतलब है सुपर जीनियस। यस, द वन एंड ओनली कराटी। राजू, घना जंगल। क्या जल्दी है लड़ने की, उसके लिए तो अब बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये सब क्या हो रहा है? वेलकम टू गुज्जन्स वाइल्डनेस एडवेंचर। मैं हूँ गुज्जन और आप मेरे खास मेहमान। मेहमान मेहमान की बात छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्यों कैद किया है हमें? मेरी तरफ से एक वेलकम गिफ्ट। 2-3 दिनों में मेरे पार्क का ग्रैंड इनॉग्रेशन है और तब मैं आर्यनगर और दुनिया को दूंगा एक सुपर हीरो पोनांसा। रेस्ट वेल जेंटलमैन, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये है मिस्टर गुज्जन, इस ब्रिलियंट पार्क के मालिक। गुज्जन्स वाइल्डनेस एडवेंचर पार्क में स्वागत है। तो पेश है द माइटी वाइल्डनेस चैलेंज बिटवीन माइटी राजू एंड कराटी। पहला ऑब्स्टेकल, उबलते लावा की नदी। क्या सच में लावा है? नहीं, एसिड, जस्ट एज बैड। दोनों ने बनाया, मिलके रहेंगे आइडिया आया। था बदमाश कराटी। तुमने कैसे? थोड़ी सी कुंफू और आखिर में परफ्यूम हेल्प्ड। yeah!
बल्लाबाजी देखते हैं। प्रोफेसर स्वामी करेगा मेरे यादों को ब्लॉक। टिकटॉक टिकटॉक, तो सबसे पहले करते हैं स्वामी को लॉक। ओह नो, आज फिर से लेट हो गया। राजू राजू, तैयार हुए या नहीं? बस हो गया मॉम। थैंक्स मॉबी, बाय। पूरे शहर को लॉक करते ही जा रहा है। कमिश्नर खन्ना, मैं इस सिकंदर को रोकता हूँ और आप लोगों को संभालिए। ओके। मुझे इसके प्लान का जल्दी पता लगाना होगा। तो तुम गए काम से। बाय बाय माइटी राजू। चीकी, जल्दी उस शेल को फेंको। अब तो तुम गए माइटी राजू। देखते हैं। स्पीड में जाकर उसकी मदद करूंगा।